बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। नमस्ते एजीसियंस, हम लोग कोर टीम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं और मार्च 2018 के ऑडिशन में। लेकिन हम करेंगे, तुम लोग का जूनियर्स का जो हमें सपोर्ट मिला है वो काफी अच्छा था, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आगे का हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि आगे और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो थोड़ा जाके झांक रहे थे कि हाँ चलो ऑडियंस एंजॉय कर रही है, तो थोड़ा चेकआउट कर रहे थे। वैसे बैक स्टेज में तो बहुत ज्यादा टेंशन, हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत सारा टैलेंट, सब आएंगे वो उस जगह पर आएंगे तो उनके अपने आप से आइडियाज निकलेंगे। काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला इस बार, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार ज्यादा डेकोरेशन देखने को मिला, सबसे अच्छी चीज होती। और हमें हमारा अप्रिसिएशन यही है कि लोग हमारी चीजों के साथ मतलब फोटोज खिंचवा रहे थे, उन्हें उठा के भी घर ले जा रहा था, सबसे बड़ी चीज। क्रैप बोल सकते हैं या कार्टून वगैरह जो वेस्ट हो जाते हैं बेसिकली, तो उनका यूज करके हमने 3D गोश बनाया था, तो उसको काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था। और ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, मजा आया काम करके। एक प्रोग्राम को हिट करने के लिए तीन चीजें की जरूरत है, मतलब तीन चीजें होनी चाहिए उस दिन, एक तो आपका स्टेज, एक ऑडियंस और एक परफॉर्मेंस, तीनों चीजें। अब हमारे पास क्या चीजें थी, स्टेज था, आईजी से ऑडियंस तो फुल थी, मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब खरे थे बहुत अच्छे से है ना। और उसके बाद था स्टेज तो आप तुम सब लोगों ने देखा, एक तरफा स्टेज था, बहुत ही अच्छा। अब इन सबको काउंटर करने के लिए चाहिए परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो कुछ नहीं है, क्या देखेंगे लोग। यहाँ तक कि मुझे, मैं कल्चर देखता है, मैं अपनी क्लास में जाता था, सर से बोलता कि सर प्रैक्टिस के लिए इधर जाना, तो सर बोलते थे अगर कल्चर अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें ना चाहूँ। ये जो चीजें है ना, सुबह से उठना, गाने मस्त करना, इसमें सबसे बड़ा हाथ है सार्थक जैन का, जो बैक जिस बंदे ने बैक स्टेज काम किया पूरा, तो उस बंदे की भी अलग ही मेहनत थी, हमसे ज्यादा उसने मेहनत की, मुझे ये लग रहा। आइडिया उसमें लाया वीलॉग, तो हमने वीलॉग लाकर उससे ये हुआ कि हम फेसबुक पे डेली की डेली वीडियोस डालते थे,
तो वो काफी सक्सेसफुल था, मतलब वो आइडिया अचानक से ही आया कहीं से, अनलीश इनोवेशन तो है, अनलीश द इनोवेशन कर। मेरा ये काम था कि जैसे कल्चरल में जितनी भी मैनेजमेंट थी, जैसे रामबॉक था मैम और सर के पास था पूरा रामबॉक, है ना, विश्वमोहन सर ने हमारी बहुत मदद की इस पूरे मैनेजमेंट में, ठीक है। मेरा काम था कि कल्चरल को पूरी अथॉरिटीज से जोड़ना, सारी जो क्या कहते हैं उसको सीक्वेंसिंग थी, मैनेजमेंट थी, है ना, और टाइमिंग थी और बजट वगैरह था और स्टेट वगैरह के बजट्स क्या थे, रिजल्ट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, क्राइटेरियाज क्या होंगे, ये सब मतलब मेरे अंडर था, मतलब कि जो कुछ हमसे हो पाएगा हम लोग करेंगे इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में, और वो हमने किया है। बाकी हर एक टीम मेंबर ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और सब ने अपना बाखूबी काम किया है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी कि इस बार हमारे बच्चों ने रोबोटिक्स के इवेंट्स में काफी पार्टिसिपेशन दिया है, काफी अच्छा काम किया, क्योंकि नेक्स्ट लेवल एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है धीरे धीरे सभी लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल इसी पर ध्यान रखे कि कॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेवल यार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, जो काम की हम सोच भी नहीं पाए, वो चीज द नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं। बुलेटिन बोर्ड को तुम लोग मेंटेन कर लो, बहुत ही अच्छी चीज है, उसको और भी अच्छे से करो। मैं ये कहना चाहूंगा तुम लोगों ने इस कॉलेज में बहुत अच्छी कोशिश की, तो मैं चाहूंगा बहुत आप आगे जाएं और ये जो आपका सिलेक्शन लेवल है उसे